प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर 1,00,000 से अधिक SHG सदस्यों को 380 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी सहायता के वितरण की प्रक्रिया शुरू की। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रगति मैदान के भारत मंडपम में किया गया। स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री 1,00,000 से अधिक SHG सदस्यों के लिए प्रारंभिक पूंजी सहायता वितरित किए। 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन 5 नवम्बर को होगा। PM मोदी ने कहा कि भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक उभरते हुए उद्योग के रूप में उभरा है। पिछले 9 वर्षों में इसने 90,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। पिछले 9 वर्षों ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का FGI आया है। यह सरकार की उद्योग समर्थक और किसान समर्थक नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात 150% बढ़ा है। अभी मैं टेक्नोलॉजी पेविलियन को देखकर के यहां आया हूं। जिस तरह यहां टेक्नोलॉजी पेविलियन, स्टार्टअप पेविलियन और फूड स्ट्रीट जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, वो अद्भुत है। टेस्ट और टेक्नोलॉजी का ये फ्यूजन एक नए फ्यूचर को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा। आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी भी है। इसलिए वर्ल्ड फूड इंडिया का यह आयोजन और भी अहम हो गया है। फ्रेंड्स, भारत में प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को आज सनराइज सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है। पहले वर्ल्ड फूड इंडिया से आयोग के आयोजन से